हाय एवरीवन, तो बिफोर क्लास का हम कौन बोले डिस्कस कर बोले ना हमरो एसडी कैरेक्टर, एसडी कैरेक्टर हो माने हमें जो अरोमेटिक अल्कोहल आ एलिफैटिक अल्कोहल जो हम कंपेयर कर बोले नहीं, तो हम अपने जानिबा दे एसडी कैरेक्टर ऊपर आउटर रिलेशन थाए जोड़ा की के ए के कोन ना तो पढ़िथिबो दे गुटे कोन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेला के कोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमती पा जाए ना प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केम पाइबा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, देख लो ए आर ओएच रो हमको ब्रेक अप को मिला आर ओ माइनस आर एच प्लस, एटा हला हमर रिएक्टेंट साइड, एटा हला हमर प्रोडक्ट साइड, तो एटा हम कोन नबा के ए माने एसिडिक कांस्टेंट, के एटा कोन नबा होगा एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट हला एसिडिक कांस्टेंट, के एटा उडे कोन एसिडिक कांस्टेंट, तो एसिडिक कांस्टेंट अगेन पाइबा ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के रह जे ना आर ओ माइनस रो कंसंट्रेशन एच प्लस आयन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर ओ एच, बुझ पाइलो एसडी कांस्टेंट की पाइबा ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट साइड के अछि आर ओ माइनस रो कंसंट्रेशन एटा का सिंबल कंसंट्रेशन रो सिंबल जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया उस पर ना कंसंट्रेशन का सिंबल, तो आर ओ माइनस कंसंट्रेशन एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आर ओ एच का कंसंट्रेशन हैला, तो हमें कहबा एसिडिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, कौन कहली ना एसिडिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन जति की बढ़िबो पीएच पीएच कहले कौन ना पीएच कहले पीएच नवा दे पीएच कहले माइनस लॉग एच प्लस आयन रो कंसंट्रेशन, सेई पदी हमर गोटे थाय पीके, पीके कहले कौन माइनस लॉग के ए रो कंसंट्रेशन हला के माइनस लॉग सिंपल आंसर होगा माइनस लॉग के, बुझ पाइलो पीके कहले कोन माइनस लॉग के, बुझ पाइलो तो के कोन एसडी कांस्टेंट, तो हमें कहि परिबा एसडी की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, एसडी स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, बुझ पाइलो ताले एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़िले के वैल्यू बढ़िले एसडी स्ट्रेंथ बढ़िबो, किंतु पीके ए वैल्यू बढ़िले एसडी स्ट्रेंथ कोण हो डिक्रीज हो, पीके वैल्यू बढ़िले कोण हो एसडी स्ट्रेंथ कोण हो डिक्रीज हो, देख लो एटे कोन अछि हमर बेंजीन आउ इया ना कोन साइक्लोहेक्सान, से जे जी राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बेंजीन सॉरी फिनॉल, ये कोन फिनॉल आउ देला साइक्लोहेक्सान, फिनॉल आ साइक्लोहेक्सान के भितरे कार एसिडिक स्ट्रेंथ दा अधिक, तुम जानि जो फिनॉल आ उते अरोमेटिक अल्कोहल ओ एक टिके पूर्व कह जे कोन ते अरोमेटिक अल्कोहल इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक अल्कोहल हैला, ये हमर कोन अरोमेटिक अल्कोहल ये जेतु हमर अरोमेटिक की ना कंजुगेट सिस्टम नाय ना, तो ये का बले दे देखैबो ये शो करिवो एलिफैटिक बलिया, का बले शो करिवो एलिफैटिक, ये का बले शो करिवो एलिफैटिक बलिया शो करिवो
हैला आली खाटी बोल जाला ये आरवाटी तो ये आली खाटी ताले किए अधिका हो सी कैरेक्टर आरवाटी का अंग ड्यू टू रीजनल्स इन द रीजनल्स वर पॉसिबिलिटी होती है इन द रीजनल्स सही पाइबो नहीं देखि लो यार पिके वालटा के दे जी 10 यार पिके वालटा के दे जी 17 मु को आ कोई जी एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्स इन प्रोपोर्शनल टू पिके ताले पिके वालटा कार अधिका अछि यार 17 अछि ताले यार सिस्टेंथरा कम यार पिके वालटा कम अछि तो सिस्टेंथरा अधिका बुझ पाइलो एम यदि आपको पिके वाली देखा है यदि क्वेश्चन रे पिके वाली देखा है तारा पिके वाली देखि नानी हम जान पाबिबा एसिडिक स्ट्रेंथ बुझिबा तो नेक्स्ट हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा देखो हमरो क्वेश्चन दे जी फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल एडी से कोई जी राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कौन क्वेश्चन दे जी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हैला तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ केमि जानिबा देखो तमे जानि जो दे सब कोडो जे मु एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लेखिबी मोर आंसर आसीबो एसिडिक स्ट्रेंथ रो ऑर्डर रो आंसर मोर आसीबो एसिडिक स्ट्रेंथ रो आंसर आसीबो ना फर्स्ट डी देन बी देन C, then A. आंसर कौन सी हो? ना मो आंसर आंसर करके फास्ट आंसर करो। पारानाइट्रोफिनॉल, then ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, then मेटानाइट्रोफिनॉल, then फिनॉल। है ना? तो कौन पाए? ना रीजन दे देंगे। बुझ पाए मैं? देखो। उठे पता मन रखो। जदि आमे फिनॉल रे आमे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा कौन कहली फिनॉल रे जदि आमे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कौन कहली जदि आमे फिनॉल रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लागिबो ताहाले से फिनॉल थारो ऑलवेज मोर एसिडिक कैरेक्टर हो कोन कहली मो कथा बोल से सुनो यदि फिनॉल रे को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगे देबी ताहाले जो फिनॉल रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लागिथिबो सेही फिनॉल ता मोर एसिडिक डैम सिंपल फिनॉल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को मान कोइला NO2 CNA होने फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो होने ए सब कोन तमरो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोइकिनी जते सब तमरो माइनस आई पेट शो करिवो माइनस आई पेट शो करिवो माने माइनस आर भी पेट शो करिवो
से माने बेसिकली कोन करती इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप NO2 डाउटे NO2 डाउटे इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को CN डाउटे इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को क्लोरीन डाउटे इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को ब्रोमीन आयोडीन CHO आरडीआईडी कार्बोक्सिलिक एसिड माने ए जते सब कोन इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप जदि आमे इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को लगाई देबा एते सब माइनस आई आ माइनस आर इफेक्ट शो करंती माइनस आर इफेक्ट शो करंती से माने बेसिकली को करंती इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप आ जदि इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को लागी थिबो आमर एसिड कैरेक्टर कोन हबो इंक्रीजेशन कोन हबो एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेशन बुझि पाइलो एडा मन रखियो देखो ए जे कोन अछि ना सदाबतन मन रखियो ना एडा छ हमर सिंपल फिनल एडा छ हमर ऑर्थोनाइट्रो फिनल एडा छ मेटानाइट्रो फिनल एडा छ पैनाइट्रो फिनल देखो ये गुटे कोन इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप ये गुटे कोन इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप ये कोन गुटे इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप किंतु एथे किछि इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को अछि कि ना हम नै तले ए जो आपने जानि ले जे मु कोन कहले इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को थिले एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस हो कोन पै ता रीजन हला जे देखो एई ऑक्सीजन पाखरो हमर हाइड्रोजन जाउची एई ऑक्सीजन दा हाइड्रोजन को जेमती जते इजीली एक्सप्रेस आयन को देई दबो सेति की एसिडिक कैरेक्टर बढ़िबो कोन कहली ना फिनल रो ओ पाखरे जो हाइड्रोजन दा अछि सेई हाइड्रोजन दा जते इजीली लॉस होबो से सेति की कोन होबो स्ट्रॉंगर एसिडिक होबो तो हमर इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को लागिबा द्वारा कोण हबो एई ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टा को इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को नीचे ले जीवो इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप रो काम कोण की इलेक्ट्रॉन पुल करबो नीचे तो एई NO2 ग्रुप को एई ऑक्सीजन पाखे जो इलेक्ट्रॉन थिबो नीचे को इलेक्ट्रॉन को कोण करबो पुल करबो टाणी लबो बुझ पाइलो जा परे ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टा कोण हबो डिक्रीजेस हबो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस हबो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस हो तो एटा हमर कोन हो जे ना सिंपली एडा कोन छि फिनल छि एडे किछ इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप लागिनि तले सबकोड ये लेस एसिडिक हो सबकोड ये कोन हो लेस एसिडिक हो बुझि पाइलो सेते हम लिखि छि ए को लास्ट रे किंतु बट हम जे देखिबा बी सी डी माने ऑर्थोनाइट्रो फिनल मेटानाइट्रो फिनल आ पैनाइट्रो फिनल ए थ्री ग्रुप रे कोन लागे छी इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप तो समस्त कर एसिडिक कैरेक्टर कोन हो इंक्रीजेस हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप रो काम कोन ना ऑक्सीजन पाखरु इलेक्ट्रॉन को निजाड को ने जीवो जा पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी जीवो से एच प्लस आयन को जी दे दबो किंतु ए केस रे सेई भलिया होबोनी सब कोडो ए डैश पई लेस एसिडिक हो हैला बी सी डी भीतरे डी डा कोन पई सब कोडो स्ट्रॉंगेस्ट एसिड डीटा को पाए स्ट्रॉंगेस्ट एसिड हैला हम नै इटा देखो सदा बेले मन रखिबो ना एई NO2 डा तुम जानि जो NO2 डा उते को ग्रुप ना माइनस आई इफेक्ट NO2 डा उते को इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट आउ कोन अन NO2 डा उते माइनस आर इफेक्ट ला एई अर्थ क्वेश्चन रे NO2 डा गुटे को इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट आ माइनस आर इफेक्ट बुझ पा गेलो कथा किंतु मेटा क्वेश्चन रे मन मन रखो मेटा क्वेश्चन रे यदि थाए इलेक्ट्रॉन ओथ्रोइन ग्रुप को से ए माइनस आर इफेक्ट शो करबो नाही मान लीजिए ना शो करबो ओनली शो करबो कोन माइनस आई इफेक्ट ला ऑलवेज मन रखो जदि एडा त मन रखियो मेटा पोजीशन रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाग थाउ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाग थाउ तार ऑलवेज रेजोनेंस शो करिवो ओनली कोन सा शो करिवो इंडक्टिव इफेक्ट देखिवो कोन देखिवो इंडक्टिव इफेक्ट
हैला तो जदी तमे एमसी कंपेयर करिवो त तमे एसी डिस्टेंस जान लेबो कोन कहली ना अर्थ आउ पारा अर्थ आउ पारा पोजीशन रे इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल ग्रुप को लागी थिले ना से कोन करिवो माइनस आई इफेक्ट भी शो करिवो माइनस आर इफेक्ट भी शो करिवो माने इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करिवो रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करिवो किंतु मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रे लागी थिले ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करिवो रेजोनेंस इफेक्ट शो करिवो नाही बुझ पाइलो तो यार रीजन बते कि कोन पाए तो एडे कोन हबो एनो2 रे ओनली कोन शो करिवो माइनस आई इफेक्ट से पछि पारा पोजीशन रे एनो2 टा कोन शो करिवो माइनस आई इफेक्ट हैला माइनस आई इफेक्ट आउ कोन शो करिवो एंड माइनस आर इफेक्ट बुझि पाइलो कोन कहली ना माइनस ऑर्थो पोजीशन रे माइनस आई इफेक्ट आउ माइनस आर इफेक्ट शो करिवो पारा पोजीशन रे भी माइनस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट शो करिवो बुझ पाइलो कि तो मेटा पोजीशन रे माइनस आई इफेक्ट शो करिवो बुझ पाछो तो ये जो ऑक्सीजन पाखरे इलेक्ट्रॉन अछि ऑर्थो रे कोन हबो माइनस आई इफेक्ट द्वारा कोन हबो इलेक्ट्रॉन को टानिंग हबो माइनस आर इफेक्ट हबा द्वारा कोन हबो तमे जानि जो रेजोनेंस का कोन हुए रिंग रु यार को रेजोनेंस हबो जा परे माइनस आर इफेक्ट द्वारा भी इलेक्ट्रॉन टानिंग हबो हैला माइनस आई इफेक्ट द्वारा कोन हबो इलेक्ट्रॉन इजार को पुल करिवो माइनस आर इफेक्ट कोन हुए रेजोनेंस माने रिंग रु ग्रुप पार्ट हुए तो यार इलेक्ट्रॉन डा यार को टानिंग हबो जा परे यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल कोन हबो डिक्रीज हे जइबो बुझ पाइलो एही केस रे कोन हबो ना पारा पोजीशन रे ये माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टानिबो हैला ए इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीजन पाके जो इलेक्ट्रॉन छि या था इलेक्ट्रॉन टानिबो माइनस आई इफेक्ट द्वारा माइनस आर इफेक्ट द्वारा भी इलेक्ट्रॉन टानिबो किंतु एथे ए ऑक्सीजन पाके जो इलेक्ट्रॉन अछि तो एडे बहुत द्वारा इलेक्ट्रॉन टानिबो ओनली माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टानिबो माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टानिबो ताले सबु अधिक ए तीनटा भितरे सबु अधिक इलेक्ट्रॉन को टाइबो अर्थ आउ पारा पोजीशन रे कमेना माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टाइम छी माइनस आर इफेक्ट द्वारा भी इलेक्ट्रॉन टाइम छी एथे भी माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टाइम छी माइनस आर इफेक्ट द्वारा भी इलेक्ट्रॉन टाइम छी किनो सी रे आदि कोन टाइम छी माइनस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टाइबो ताले सबु ए परे के ए सबु लास्ट है तापर के आसीबो सी सी हैला नेक्स्ट बी आउ डी भीतर के कंपेयर करबा बी आउ डी भीतर के कंपेयर करबा देखो ना एते जेतिक नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होबो एगे सेतिक नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होबो हैला एथे माइनस आई इफेक्ट ता कोन अछि देखिलो देखिलो हम कोन कहिले ना इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तारे डिस्टेंस पाखरे उपर कोन हो इजीली इलेक्ट्रॉन टाइबो हम नहीं एटे कोन हो जी ना एटे डिस्टेंस बढ़ी जाउ छी माने ये इलेक्ट्रॉन कोन करबो देखो एटे जेतिक रेजोनेंस हो एटे सेतिक रेजोनेंस हो तो माइनस आर इफेक्ट एटे जेतिक हो एटे माइनस आर इफेक्ट सेतिक किंतु जदि आमे माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करबा ना एडे पाखरे थिबारु कोन करबो अधिक इलेक्ट्रॉन टानिबो एडे डिस्टेंस बढीबा द्वारा कोन हबो कम इलेक्ट्रॉन टानिबो फिर भी कोन जदि सेम जे आमे कंपेयर करबा तले बीटा फास्ट हबो कथा तापर डी हबो कथा किंतु डी फास्ट होजी बी होजी कोन पाई तो नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन याबो करबो।